ये पार्टी वीक नहीं होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए, लव मैरिज होनी, ये वाली स्पिरिट जरूरी है। मैं अभी भी 28 साल बाद है ना आपके अंदर, मुझे लगता है कि 2800 साल भी हो जाएं तो बाकी रहे। ये हमारी दोनों पार्टियां बहुत स्ट्रांग है। आइए चलते हैं रीकैप, इस कहानी का रीकैप। सॉरी आपको एक दफा फिर सुनानी पड़ेगी, आपको माजरा के साथ। इतना लंबा चौड़ा नहीं है, ये जो चीजें भी सुनी है ना, बस ये नहीं करनी थी मुझे। अच्छा, तो पहले से सोचा हुआ था? नहीं सोचा हुआ नहीं था, मगर मिजाज में ही नहीं था। ओ, कि जाऊं जाके मुझे सबसे ज्यादा बुरी बात थे आपके नहीं थे मुझे सबसे ज्यादा बुरी बात क्या लगती थी, मेरी एक ही बहन है और उसका एक आध रिश्ता शुरू में आया, और जो लोग आए उनमें से कुछ लोगों ने देखा, कुछ उसी फैमिली में से कुछ ने पसंद किया और कुछ ने ना पसंद किया। ओ, तो मुझे किसी भी लड़की के लिए जाके उसको नापसंद करना पसंद ही नहीं था। ओ, ओ। तो मैंने अपनी माँ से कह दिया था, मैंने कहा ना मैं कोई लड़की कभी देखने जाऊंगा, मैं आगे बता दूंगा मुझे कौन सी पसंद है, वहाँ कर दीजिएगा। अच्छा, आपका नंबर क्या था बहन सबसे भाई? छोटा। सबसे छोटे, तो बड़े जो बहन भाई थे उनमें से किसी की अरेंज मैरिज बहन की हुई थी और बड़े भाई की नहीं हुई, बड़े भाई की शादी मेरे बाद। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरी चूंकि बहुत अर्ली मैरिज थी, शौक बड़ा और लव मैरिज थी, और लव मैरिज थी, अब्बा ने जल्दी कर दी, तो जब जल्दी कर दी तो बड़े भाई पढ़ रहे थे उसको। ऐसे सुना है लड़कियों को शौक होता है शादी का, लेकिन यहाँ लड़के को शौक था शादी का? नहीं, लड़कों को भी होता है। दोस्ती करोगी मुझसे? आज तक दूसरी शादी का शौक, मैंने तो पहली शादी जो की थी वो तीसरी की थी, शुरू की दो की जगह बाकी रखी है, कभी ना कभी कर लूंगा पहले दूसरी। कभी ना कभी नमाने जास की तरह वायरल ना हो जाए बातें भाई, ये सब मजाक होने, मजाक मजाक काट दे आधी आधी बातें, ये बिल्कुल मजाक नहीं है, ये 100% सच बात है। मुझे इतना शादी का शौक है कि अभी भी कोई मौका मिले और अच्छा मौका मिले, जो गरजते हैं वो बरसते हैं। ड्रामे में आपने देखा नहीं, हर ड्रामे में शहूद कहीं ना कहीं ये वाला सीक्वेंस लिया था। ये एक्चुअली बिचारी ने बहुत तमीज से मिसाल दी है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, असल मिसाल है जो भौंकते हैं वो काटते नहीं है। शहूद भौंक रहा है, काटे का नहीं, टेंशन भाभी ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? मैं 28 साल से सुन रही हूँ, अभी तक मेरे साथ ही है ना, क्या बात प्रूफ हो रही है, बस बोलने दे। आपने तो छोटी छोटी खुशियां, छोटी छोटी खुशियां बोलते ही खुश हो रहा हूँ, बोलते रहो। दरअसल बहुत छोटी एज में शहूद ने मुझे पसंद किया था, तो वो वाली नौबत तो आई नहीं ना, तो रीकैप हो रहा है, दोबारा से बताए ना भाभी क्या हुआ था पहली दफा। भाई इनको तो पता भी नहीं था, मैंने इनको पहली दफा देखा था अपने दोस्त के घर में जाया करता था, हम लोग पढ़ने के लिए जाते थे साथ, फ्रेंड सारे बैठ के, तो वहाँ इनको मैंने देखा था और मुझे पसंद आ गई। अच्छा, वहाँ मोहल्ले में उनके राह करती थी और इनको मैंने बस जरा सी एक झलक देखी। आप लोग नेबर्स थे यानी एक दो गली छोड़ के? हम नेबर्स नहीं थे। अच्छा, ये मेरे दोस्त की नेबर थी। ओहो, अच्छा अच्छा, वहाँ देखा। हाँ, प्यारी खूबसूरत है, क्या झलक, मतलब बहुत छोटी मासूम सी, छोटी सी गुंगरियाले बाल, मेरी छोटी बेटी को आप देख लें बिल्कुल ऐसी वैसी नाजुक नाजुक सी है। तो उस वक्त बहुत आप भी प्यारे थे, आप भी प्यारे हैं और ये भी प्यारी अभी हैं, बस नाजुक नहीं। वो तो बहुत छोटी एज की स्टोरी है, वो बस देख के पहली दफा में पसंद किया और इतने छोटे बच्चे ने, मैं ये कह सकती हूँ उस वक्त इनकी दाढ़ी मुझे आई हुई थी कि नहीं, कुछ नहीं, में क्या आना था, सिर्फ पसंद आनी थी। क्या एज थी आपकी? 17 13 14 साल नहीं 13 हाँ हाँ, ये तो चाइल्ड लेबर है। चाइल्ड लेबर नहीं है, अभी लेबर बाद में शुरू होती है, ये खाली पसंदीदगी थी। मैं इसको चाइल्ड लेबर कहूंगी क्योंकि 13 साल में सोचे जब लड़की पसंद आई है फिर उसके वजह से हमें काम भी करना है ना भाई, पसंद, तो आपने चाइल्ड लेबर वाला काम किया है एक तरह से देखा जाए। हाँ, मुझे जॉब जल्दी शुरू करनी पड़ी और मुझे ये जुनून था कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ ताकि मेरी शादी हो, तो उस वक्त मेन टारगेट शादी था कि इसको अपनाना था। आपने जब आप 13 साल के थे, 12-13 साल, 14 साल का था तब पसंद कर लिया, 14 साल, तो फिर 6 साल फिर चला। ये कितने साल की थी? मुझसे 1 साल छोटी, 11 साल? लेकिन इस तरह की कोई हमारी वो नहीं, बस देख के पसंद कर लिया था, ये तय कर लिया था और घर जाके मैंने सबसे पहले अपने बाप को बताया, मैंने कहा बुजी वो एक लड़की पसंद आ गई है, तो अब वो मेरी उम्र देख लें, उसके बाद बाप ने क्या कहना था, उन्होंने कहा अम्मी से जाओ भी देखो कौन पसंद आ गया हमारे बेटे को। अब्बू को भी लगा था शायद बचपन की कोई एक होती है, बच्चों में एक उम्र होती है हरारत से आती है, हुआ होगा कुछ,
तो वालदा मुझे अगले दिन ले गई, कहने की चलो लेके दिखाओ कहाँ है। हाँ। तो मैं वो ले गया, वहाँ ले जाके दिखा दिया। इत्तफाक से इनकी वालदा जॉब किया करती थी, वालिद थे नहीं इनके, तो वो बैल की तो उनकी अम्मी निकली। हाय हाय। तो मेरी अम्मी सलाम दुआ करती हुई अंदर ले गई। हाँ। उन्होंने कहा दिखाएं भाई कौन सी वाली बच्ची है। अम्मी ने बता भी दिया। हाँ ना, और वो परेशान, आप कौन है, किससे मिलना है। उन्होंने जाके कहा कि भाई आप में से इनमें से सायमा का वाला, तीन बेटियां थी, एक तो बहुत ही छोटी थी। उन्होंने कहा ये वाली है सायमा। तो अम्मी ने कहा भाई ये मेरी अमानत है आपके पास। बस ये कह के चली गई थी वो कि ये मेरी अमानत है और इंशाल्लाह एक दिन आऊंगी इसको लेने। इस तरह से टैग ज़बानी कलामी से तय हो गई। क्लास में थी तब की बात है। क्या आईडिया अच्छा है वैसे। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास।